टारगेट 600 मिलेंगे, 650 के आसपास। अंदर चौक लगी हुई थी, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी पहले। और इसकी जो अगर हम स्टीयरिंग की कटिंग देख लेते हैं, देख सकते हो कितना जबरदस्त कटिंग है ट्रैक्टर की। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो, हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। 2022 मॉडल है जॉन डियर 5205 का। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं ट्रैक्टर की फ्रंट टायर से, तो उसमें फ्रंट टायर जो मिल जाता है वो आपको सीएट का 750/16 का मिलेगा। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के रियर टायर की, तो सीएट का ही मिलेगा आपको अंदर इसमें 1428 का, इधर देख सकते हो आप। अगर बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट एक्सल की, तो आपको मैं फ्रंट एक्सल दिखाता हूँ। पहले मैं इसके अंदर हैवी ड्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट एक्सल मिलता है। अगर बात करते हैं इसकी पावर स्टीयरिंग की, तो इसमें देख सकते हो सिंगल रोड के साथ हाइड्रोलिमैक्स पावर स्टीयरिंग मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसकी फ्रंट फेसिया की, तो जो जॉन डियर का डेडिकेटेड लुक आता है उसी तरह का इसके अंदर मिलेगा आपको, देख सकते हो जो इसके 5310 और 5210 वगैरह में आता है। और इस जॉन डियर की सबसे अच्छी बात लगती है, हर ट्रैक्टर की जो बोनट की है वो चाबी सबकी सेपरेट देता है जॉन डियर, देख सकते हो। जैसे ये और चाबी इसमें कोई लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें चाबी का नंबर तक होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हो आप। तो चाबी से बोनट खोलेगा, हम एक बार बोनट खोल कर दिखाते हैं। और नंबर प्लेट के लिए कंपनी ने पहले ही प्रोविजन कर रखी है आगे। तो जैसे देख सकते हो बोनट खुल चुका है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो इसका बोनट है वो आपको फाइबर में मिलेगा, और डबल डबल इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर मिल जाते हैं जो बोनट को रोक कर रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अंदर ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिल जाता है डबल जाली के साथ, चौक सेंसर के साथ। इसमें चौक भी लगी हुई है, वो आपको बता देगी मीटर के अंदर हमारी जो एयर क्लीनर है वो चौक हो रहा है, सही चल रहा है। 88 एम्पीयर के अंदर इसके अंदर 88 एम्पीयर की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, जो कि एक्साइड की है, और एक्साइड इंडिया के अंदर माना हुआ ब्रांड है। सबसे बढ़िया बैटरी की बैकअप में अगर आती है तो एक्साइड आती है। आगे का अगर हम इसकी रेडिएटर की बात करते हैं, देख सकते हो तो कितना हैवी और चौड़ा इसके अंदर रेडिएटर मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है, ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेता है और उतना ही ट्रैक्टर हमारा ठंडा होकर चलता है। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के, हम राइट हैंड साइड में इस इंजन के अंदर मैं दिखाता हूँ, इसकी हंडी अंदर मिल जाती है, देख सकते हो जो इसकी साइलेंसर हंडी होती है। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप ट्रैक्टर को भी कोई बाग वगैरह में चलाते हो, तो आप यहाँ से साइलेंसर अगर हटा देते हो इतना भाग, तो हमारा ट्रैक्टर फिर भी आवाज़ चेंज नहीं करेगा। जो फटर फटर की आवाज़ होती है वो नहीं चेंज करेगा, आप ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हो। इधर देख सकते हो जाली लगा रखी है, ताकि कोई बेल्ट में कोई पंछी वगैरह हमारा कपड़ा वगैरह ना आ सके। तो अब हम इंजन की बात करते हैं, बोस का इनलाइन पंप मिलता है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2900 cc का इंजन है, 48 hp का ट्रैक्टर है ऑन पेपर, और आपको 2100 rpm निकालता है ट्रैक्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इधर क्या मिल जाता है, और इधर देख सकते हो वाटर सेपरेटर मिलेगा, दो दो डीजल ऑयल फिल्टर के साथ। और लेफ्ट हैंड साइड में और क्या चीज़ मिल जाती है, अभी मैं दिखाता हूँ। एक इसमें देख सकते हो ग्रैब हैंडल है, जो हम पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। सिंगल क्लिच डुअल क्लिच ट्रैक्टर मिल जाता है, और इंजन का कट ऑफ स्विच भी मिलता है, जिसमें हमारे ट्रैक्टर की अगर चाबी लगी होती है तो हम इसे यहाँ रोक कर छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा कोई बच्चा वगैरह चढ़ कर सेल्फ मारे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, ये यहाँ पर खोलने के बाद ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर देख सकते हो इसमें सीट जो मिल जाती है आपको, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, एडजस्टेबल सीट है। अभी हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के SFC की, तो इसमें SFC मिल जाती है, वो 270 मिलेगी ग्राम किलोवाट प्रति घंटा में। अगर हम बात करते हैं इसकी PTHP की, तो 41 PTHP मिलेगी 48 hp के ट्रैक्टर के साथ। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, उधर क्या मिल जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे जाने से पहले ये देख लीजिए, कूलेंट इसमें यहाँ लगा हुआ है, जो कि इसमें लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे हम राइट हैंड साइड पर आ चुके हैं ट्रैक्टर के, तो देख सकते हो इसमें इधर भी एक प्लेट लगी हुई है, और इसमें 6 पंखड़ी है जो कि एलुमिनियम की है। एलुमिनियम का होने का बेनिफिट होता है हमारे ट्रैक्टर की, कभी भी अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फैन की, तो 6 पंखड़ी एलुमिनियम के लगी हुई है, ताकि हमारे ट्रैक्टर को ठंडा रख सके। और एलुमिनियम का होने का बेनिफिट ये होता है, ये कभी भी बैरिंग को जल्दी से ख़राब नहीं करती, जिससे हमारे ट्रैक्टर का बहुत अच्छे से फैन घूमता है। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पंप की, तो डबल पंप मिल जाता है, एक पावर स्टीयरिंग पंप है, एक हाइड्रोलिक पंप है। और इसमें अंदर देख सकते हो इसके अंदर जो मिल जाता है इंजन ऑयल फिल्टर, वो भी आपको फैन लगा हुआ मिलेगा ठंडा करने के लिए, जो कि कूलेंट से ये जॉइंट होया हुआ है, देख सकते हो इधर जॉइंट होया हुआ है, तो हमारे इंजन को भी ठंडा रखता है, इंजन के ऑयल को भी। अगर बात करते हैं इसकी सेल्फ स्टार्ट मोटर की, तो 2 kW का सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाता है TVS कंपनी का। इंजन की अगर हम मॉडल की बात करते हैं, तो 3029DP Y100 इसके अंदर इंजन मिलता है। वैल्यू प्लस प्लस के 3 का अलग अलग लोगो है, पहला प्लस का मतलब है कम रख रखाव, दूसरे का है कम से कम मेंटेनेंस, तीसरे का है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एवरेज देगा, यानी कि हमारा डीजल बचा कर देगा ट्रैक्टर। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, इधर ओवर लिमिट डिस्पिंग मिल जाती है। जॉन डियर की सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, इस ट्रैक्टर के अंदर कभी भी आपको बिना हीट गार्ड प्लेट का कोई ट्रैक्टर नहीं मिलता, जिससे हमारे ट्रैक्टर के चलाने वाला ड्राइवर जो होगा उसके पैरों को कम से कम हीट लग सके। तो इस चीज़ का जॉन डियर बहुत अच्छे से ध्यान रखता है।
पैर की अगर एक्सीलेटर की बात करें तो ऑरेंज कलर की इधर मिल जाएगी, हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है इसका। इसको प्रेस करने के बाद आप इसको एंगेज कर सकते हो। साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स है जो कि कॉलर शिफ्ट और रिवर्स और गियर बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं गियर की तो 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स मिल जाता है। और बहुत ही कम कंपनी ने ये आपका डिफरेंशियल लॉक देना स्टार्ट कर रखा है, अभी सभी ने ख़त्म सा कर दिया, लेकिन जॉन डीयर इसमें डिफरेंशियल लॉक भी देता है आपको, ठीक है ना। अभी हम बोनट बंद कर लेते हैं, फिर इसके पीछे चलते हैं, उधर बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में और क्या चीज़ मिल जाती है। तो जैसे हम पीछे आ चुके हैं, पीछे सबसे पहले आते ही मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो देखने को हमें मिलता है। नंबर प्लेट के लिए पहली प्रोविज़न है हैलोजन बल्ब मिल जाता है, रात में कोई भी इंप्लीमेंट अगर जोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इंडिकेटर प्लस ब्रेकिंग लाइट जो मिल जाती है वो भी आपको बल्ब में मिलेगी। 16 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। वारंटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देता है जो इंडियर। और स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर वॉल की तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाता है। 3 टॉपलिंग लिंकेज मिल जाते हैं जो कि एडी सेंस के साथ मिलेगा, यानी ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल मिलेगा ट्रैक्टर के अंदर। अगर बात करते हैं इसके डीजल टैंक की तो 63 लीटर का मिलेगा जो कि फाइबर में है। फाइबर का उनका बेनिफिट ये होता है इसमें कोई मॉइस्चर जंग वगैरह नहीं बनता, जिससे हमारे ट्रैक्टर की लाइफ और पंप की लाइफ और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। अभी बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के ऊपर क्या मिलता है। ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोनों मरगार्ड पर इसमें ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसमें अगर कोई पैसेंजर अपना बैठाते हो कोई घर का बंदा तो आसानी से पकड़ करके बैठ सकता है। और टूल बॉक्स इसका इधर मिलेगा आपको देखने के लिए जो कि लोहे का है ना कि फाइबर का। अभी ऊपर चलते हैं, इसकी स्टार्टिंग की आवाज़ सुनाता हूँ, उसका डीजल खपत बताता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ छोटा स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि इसमें बीच में जॉन डीयर का लोगो है। और डिजिटल में सिर्फ इसमें घंटे होंगे जो घंटे बताएगा और बाकी सारा एनालॉग है, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, देख सकते हो 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर भी इधर मिल जाता है। मोबाइल होल्डर इसमें नीचे दे रखा, इधर देख सकते हो ये रहा, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी आवाज़ सुनते हैं। इसकी डीजल खपत की बात करते हैं तो ट्रैक्टर फुल लोड पर 5 लीटर डीजल लेगा, ठीक है ना। तो अब हम चाबी लगाते हैं ट्रैक्टर में, चाबी जो लगेगी इसमें इधर लगेगी। तो पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल करना पड़ेगा जब ही स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक्टर। देख सकते हो ट्रैक्टर के अंदर चोक लगी हुई थी, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी पहले। और इसकी जो अगर हम स्टीयरिंग की कटिंग देख लेते हैं, देख सकते हो कितना जबरदस्त कटिंग है ट्रैक्टर की। इसीलिए ट्रैक्टर 2900 mm में मुड़ जाता है। अब इसकी आवाज़ सुनते हैं ट्रैक्टर की, नॉर्मल RPM 600 मिलेंगे, 650 के आसपास। देख सकते हो कितने अच्छे RPM शूट करे ट्रैक्टर ने। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।